देश में नई संसद के उद्घाटन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के कई दलों की ओर से उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने पर मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नई संसद के बनने का स्वागत किया है, लेकिन ये कहा है कि वो पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जा सकती। मायावती ने कांग्रेस पार्टी और उन तमाम विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है जिन्होंने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, कारण सिर्फ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न बनाना है। मायावती ने विपक्षी दलों पर सवाल खड़े करते हुए 3 ट्वीट किए हैं। मायावती ने इस बात का समर्थन किया है कि देश के संसद भवन की नई इमारत का उद्घाटन किया जा रहा है। मायावती ने गुरुवार को एक ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित के निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए इसके उद्घाटन का हक उसे है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। यह उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं। किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी दलों खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में ना बुलाए जाने पर सवाल खड़ा किया है। संसद भवन के उद्घाटन से पहले इस मामले पर जितनी राजनीति हो रही है उसे देखकर आम लोग कहने लगे हैं कि एक उद्घाटन को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देश के अन्य मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच कैसे एक रूपता हो पाएगी इसे सोचना चाहिए। एक उद्घाटन समारोह को लेकर तलवार ऐसे खींची है जैसे ये कितना बड़ा मुद्दा हो। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।